जय हिंद जय भारत। आप यार देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां भारत बनते बहुत हैं ज्यादा जनता ठीक की है। एनआरसी आवाज। गुरुग्राम आईटीआई के अंदर एक पार्क के सौंदर्यकरण में दो ट्रस्ट दीदी सामने आए हैं। एक ट्रस्ट है नटराज वेलफेयर मिट्टी की एसोसिएशन, खुशबू और एक द्वारा मिट्टी की आज खुशबू आईटीआई राष्ट्रपति में को लेकर के अमित रोहिल्ला चल रहे सम्मान हैं। स्वरूप इन दोनों ट्रस्टों ने मिलकर के एक पार्क का सौंदर्यकरण करने की ठानी है गुरुग्राम आईटीआई वुमेन के अंदर। आइए आपको लेकर के चलते हैं यहाँ पर। और यहाँ एक बरगद का पेड़ भी लगाया गया है इनके द्वारा। देखिए खास खबर हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। अमित जी, आज आप आए हैं गवर्नमेंट आईटीआई वुमेन के अंदर बरगद के पेड़ के साथ में, क्या कहना चाहते हैं दर्शकों को, क्या बताना चाहते हैं मैसेज? सबसे पहले आज का दिन बहुत शुभ है, जो हम आज भगवान बिरसा मुंडा जी को आज हमने सच्ची श्रद्धांजलि दी है। आदरणीय बड़ी दीदी नारी शक्ति मेरे साथ हैं, शारदा दीदी, उन्होंने मुझे बुलाया है यहाँ पर। और मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम द्वारा आज आईटीआई के इस स्थान पर हम एक बरगद का पेड़ लगा रहे हैं दोनों मिलके। तो जो बरगद का पेड़ है हमारा राष्ट्रीय पेड़ भी है, और आज के जो दिन है भगवान वीर बिरसा मुंडा जी को हम इसको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और आगे जाके मैं आदरणीय दीदी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम को जो भी हॉर्टिकल्चर और उसका काम भी मिल चुके वो हमें दिलवाएं। तो बस यही चीज मैं कहूंगा कि जैसे बरगद का पेड़ बढ़ेगा, ये हमारा राष्ट्रीय पेड़ है, इसकी पूरी हम ध्यान रखेंगे दोनों मिलके। और हमने आज ये एक तरह का यहाँ पर स्थापना स्थापित किया है। जी, नाम बताएं और क्या आज ये आप आए हैं बरगद का पेड़ लेकर के, उस दिन पहले आपने इस पार्क का सौंदर्यकरण भी करवाया था, क्या कहना चाहेंगे जनता? हाँ जी, मैं शारदा शर्मा, नटराज वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष हूँ। और हमारे पास ही अमित भैया का फोन आया, आपके माध्यम से ही उनको पता चल गया कि हम आईटीआई में ये पार्क का सौंदर्यकरण करा रहे हैं। तो इसके लिए इनका बहुत बड़ा सहयोग रहेगा हमारे साथ, और हम मिलकर इस पार्क को बहुत खूबसूरत बनाने वाले हैं। और आज हमने इस बरगद के पेड़ को ये गमले में लेके आए हैं, लेकिन अब हम इसको इस जमीन को तैयार कर लेंगे इसके लिए, और जमीन को तैयार करके फिर हम इस पार्क में इसको लगाएंगे। और ये हमारा राष्ट्रीय एक वृक्ष है हमारा, तो इसे ये हमारा बहुत हमारी चॉइस भी थी, हमारी ख्वाहिश थी कि हम बरगद का पेड़ जरूर लगाएंगे इस पार्क में। और भी हम बहुत औषधि वाले पेड़ इसमें लगाएंगे, और अभी पूरा इसका सौंदर्यकरण है, हर्बल पार्क की तरह हम इसको स्थापित करेंगे, स्थापित करेंगे। आदरणीय जो प्रिंसिपल सर हैं उन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और सभी को एक संदेश भी देंगे कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए पर्यावरण के रक्षक बने। और जो बरगद के खाली पेड़ की आपको एक विशेषता बताता हूँ कि जो ये यहाँ जहाँ पर लगता है उसके आसपास की मिट्टी के अपने आप ही एक खाद्य उसमें रूप में परिवर्तन होती है, और ऑक्सीजन प्लांट तो है ही, तभी हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। तो ये भारतीय संस्कृति सर्वोपरि मूल मंत्र पे जैसे हम चल रहे हैं, तो हम सब मिलके पर्यावरण के रक्षक बन के यहाँ पर इसको स्थापित किया है। अमित जी, आपकी तो मिट्टी की खुशबू एक राष्ट्र मुहिम काफी समय से गुरुग्राम के अंदर ग्रो कर रही है, कुम्हारों के साथ मिलकर के आप उनके लिए काफी काम कर रहे हैं, जैसे कुम्हार जो बिजनेसमैन या आप ये कह सकते हैं नौकरी पेशा हो चुके थे, आज वो वापस अपनी जड़ों में आ चुके हैं, तो क्या संदेश आप देना चाहेंगे भारत के कुम्हारों को? सबसे पहले मैं अपने मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ, और आप सब ने जो इसको सराहाया है, गुरुग्राम से जिसे आप सब देख ही रहे हैं, गुरुग्राम मॉडल हमने बिल्कुल स्थापित कर दिया है जैसे। बट अभी मैं झारखंड, कलकत्ता, बिहार, उड़ीसा से भी मेरे को बुला रहे हैं, गुजरात, राजस्थान और हिमाचल के भी कुम्हार मेरे से जुड़ गए हैं। तो अभी हम जल्दी ही हम सबको कलेक्ट इकट्ठे करके हम एक जो गुरुग्राम में हमने मॉडल किया है, लाइव वर्कशॉप भी करते हैं हम बच्चों के लिए, हमने कुम्हार सम्मान समारोह भी किया है, मिट्टी के रत्न अवार्ड भी हम देते हैं दीदी, हम आपको बताना चाहते हैं। ये सब ए प्लस फाउंडेशन द्वारा और आपकी जो फाउंडेशन, जब सब लोग संयुक्त मिल गएंगे तभी हम कुछ रिजल्ट ओरिएंटेड करेंगे। अभी अभी मैं आपको एक रिसेंटली बताता हूँ जो अभी हुआ है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया की जो है उन्होंने मानव रचना फरीदाबाद में इसको सम्मानित भी किया है, कार्य को सम्मानित, और कंपोस्टर की यूनिट भी हमसे ली है, जो होम कंपोस्टर यूनिट हमने बनाया। तो ये इसलिए है क्योंकि ये एक कंपोस्टर यूनिट जो है आपकी, जी आप ये बताइए कितने की पड़ती है और लोग आपसे कैसे ले सकते हैं? हाँ, होम कंपोस्टर यूनिट जो है, जो आप अपने घर के कचरे से ही आप अपने घर का पेड़ पौधों के लिए 5 से 7 किलो आप उसको बना सकते हैं, बिल्कुल वाजिब दामों में है। वैसे वो 3500 रुपए के आसपास पड़ती है, बट उसमें हम जो भी गुरुग्राम के लिए
जो हमारा NCR है वहाँ पर जितना भी ट्रांसपोर्टेशन फ्री हो सकता है वो हम उसके साथ हम उसको बिल्कुल फ्री करके घर घर तक हमें जन जन तक पहुँचना है। तो मैं अजय मीडिया के माध्यम से ये कहूँगा कि सबसे पहले आप लोग सब बैरियर बने और इस चीज़ को समझें, क्योंकि ये एक हमारे पर्यावरण की जो रिक्वायरमेंट है हमें उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना पड़ेगा। और जब हम निरंतर प्रयास करेंगे और उसको मॉनिटरिंग करते रहेंगे तभी हम कुछ रिजल्ट निकाल पाएंगे। अमित जी, आप पेड़ पौधे भी उगाते हैं और आप मिट्टी के बर्तनों पे भी कुम्हारों को सहयोग कर रहे हैं, तो जो बनते हैं कागज के जो डिस्पोजेबल बनते हैं वो लकड़ी के से बनते हैं, तो क्या इसके सब्स्टिट्यूट में मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको यूज में लाया जा सकता है? इसको बोलते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बहुत बड़ा विजन है, जो वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पे हम चल रहे हैं। तो मैं आप सबको जानता हूँ क्योंकि हम सब कनेक्ट होके ये प्रयास हम सबको साथ में लेके ही करना होगा। और खाली मिट्टी के देखिए वो आपको प्लास्टिक को आप एकदम अवॉइड नहीं कर सकते हो, बट आप छोटी छोटी अपने जीवन शैली में अपनी जीवन उसमें अगर आप मिट्टी के सामान का उपयोग करेंगे तो उससे अपने देश की अर्थव्यवस्था में भी मजबूती मिलती है, कुम्हार परिवारों को भी मिलेगी। क्योंकि देखिए मौसम की मार आपने देखा होगा, जून के मौसम में भी अभी आप अगर लेटेस्ट क्लाइमेट देख रहे होंगे तो वेदर अपडेट है कि ऊपर दीदी बर्फ गिर रही है और ओलावृष्टि हो रही है, तो कुम्हार को अपनी जो मिट्टी लानी है वो भी खेतों से लानी है, किसान को भी पड़ती है मार और कुम्हारों को पड़ती है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ अपने देशवासियों से निवेदन करते हैं हम कि आप भी दीदी कीजिए कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन शैली में कि अगर ये एक मिट्टी का गमला हम लगा सकते हैं तो आप लोग भी अगर खरीदते हैं या करते हैं अपने तो उसका बहुत अच्छा हमारे उसमें सकारात्मक पूरा उसका योग पड़ता है और उसी से ही परिवर्तन आएगा। एक कागज के डिस्पोजेबल से रिलेटेड भी मेरा आपसे सवाल था कि कागज के डिस्पोजेबल बनाने के लिए लकड़ी का यूज होता है और मिट्टी के जो बर्तन है क्या वो उसका स्थान ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो सिंगल यूज प्लास्टिक का तो सबसे अच्छा वर्जन है और कुल्हड़ और उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है जिसकी भी वो हम पूरी प्रोवाइड करके देंगे। आप लोग हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। आपसे संपर्क करने के लिए अपनी डिटेल चाहिए जी। मिट्टी की खुशबू राष्ट्रीय मुहिम जो एक इनिशिएटिव है A+ फाउंडेशन और अब हम मिलके इसको फाउंडेशन नटराज वेलफेयर एसोसिएशन के साथ भी हमने टाई अप करके काम किया है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। जो हमारी वेबसाइट है www.aftrust.org और मोबाइल नंबर है 9289605033। तो और आप मीडिया बंधुओं द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।